अति आदर और सम्मान के योग जननायक जनता पार्टी सोनीपत जिला इकाई के अध्यक्ष भाई पदम सिंह जी दैया, पार्टी के वरिष्ठ नेता बड़े भाई डॉक्टर केसी भांगड़ जी, बड़ौदा के पूर्व में रहे प्रत्याशी और पार्टी के वरिष्ठ साथी भाई उपेंद्र सिंह जी मलिक, पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री तेलुराम जी जोगी, बहन बबीता दैया जी, आपके पूर्व में जिला अध्यक्ष रहे मलिक साहब, भाई राजकुमार इडाऊ जी और पार्टी के तमाम हल्का अध्यक्षगण, प्रदेश जिला एवं ब्लॉक सदर के तमाम वरिष्ठ पदाधिकारीगण, वरिष्ठ सक्रिय कर्मठ और निष्ठावान कार्यकर्ता साथियों, मेरे सम्मानित पिता तुल्य बुजुर्गों, माताओं और बहनों, हम उम्र नौजवान दोस्तों, कृषि प्रधान भारत वर्ष के उज्जवल भविष्य अजीज प्यारे बच्चों, पत्रकार एवं छायाकार साथियों, आज बड़े लंबे अंतराल के बाद आप लोगों से रूबरू मिलने का अवसर मिल रहा, आपके दर्शन करने का मौका मिल रहा। आप इन विपरीत परिस्थितियों में भी इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर आए, सर्वप्रथम तो मैं आप लोगों का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, अभिवादन करता हूँ और आपका आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। आज वर्ल्ड वाइज कोरोना जैसी महामारी फैली हुई है और ऐसे में सरकार की तरफ से भी अनेक तरह की पाबंदियां लगी हुई है, बचाव में ही बचाव है, स्वयं को बचाव करके ही अपने आप को बचाया जा सकता है, इसलिए हमें भी उस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए। पर इसके साथ साथ हमारे कुछ सामाजिक राजनीतिक दायित्व भी हैं, उनका भी हमें साथ साथ निर्वहन करना है। मेरे से पूर्वकर्ताओं ने आपके समक्ष विस्तार से या संक्षिप्त से जैसा कहें बात करने का काम किया, लेकिन भविष्य में आपके बीच में बड़ौदा विधानसभा का उपचुनाव आने जा रहा है, किसी भी समय संभव है, नहीं तो बिहार के साथ तो निश्चित तौर पे मान के ही चलो। इसके लिए अभी से हमें ग्राउंड लेवल पे काम करने की जरूरत है। बुजुर्ग और नौजवान दोस्तों, राजनीतिक विरोधी तरह तरह के दुष्प्रचार करने का काम करेंगे, तरह तरह की अफवाहें फैलाने का काम करेंगे, जिनके पास कोई आधार नहीं वो आधार इन बातें करने का काम नहीं करेंगे, उन सब बातों से भी सावधान सचेत सजग रहने का काम करना है। अभी भूपेंद्र मुझे बता रहे थे, भूपेंद्र हुड्डा जी प्रचार करते हैं कि जननायक जनता पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनवा दी। अरे भूपेंद्र हुड्डा जी, आपके तो 31 विधायक हैं, 31 विधायक का अगर सरकार बना सकते हैं तो आप लोग बताओ किस आधार पे आप सरकार बनाने की बात करते हैं। और फिर कांग्रेस तो हमारी राजनीतिक विरोधी है, जिसके खिलाफ हम पैदा हुए, लड़ाई लड़ी, संघर्ष किया और जिनकी वजह से आज भी हम जेल काटने का काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जो समय समय में हमारी सहयोगी रही है, कभी हमारे जूनियर पार्टनर हुआ करते थे, आज हमारे सीनियर पार्टनर हैं। हमने मिलकर के केंद्र में भी प्रदेश में भी सरकारें चलाने का काम किया। बुजुर्ग और नौजवान दोस्तों, आज भी समूथ भी आप लोगों की सरकार हरियाणा प्रदेश में चल रही है,
ये संकट की वजह से, कुछ पाबंदियों की वजह से जो विकास कार्यों को एकदम गति मिलनी चाहिए थी उसमें दिक्कत आई है, परंतु उनमें भी दिन प्रतिदिन आप लोगों के बीच में सुधार करने का काम करेंगे, ना केवल उन विकास कार्यों को गति दे करके आगे बढ़ाने का काम करेंगे, विकास की बुलंदियों से आगे पहुंचाने का काम प्रदेश को करेंगे। कहीं जो हम लोगों ने आपके बीच में प्रॉमिस किए थे, चाहे वो नौजवानों को 75% रोजगार देने का है, चाहे वो बुढ़ापा पेंशन का है, चाहे वो दूसरी सुविधाएं देने का है, उन सब बातों को आपके बीच में पूरा करने का काम करेंगे। और पहले भी भविष्य में जो वायदे आपके बीच में किए उन्हें पूरा करने का काम किया, उन्हें अमली जामा पहनाया, परंतु दूसरे लोग तो सिर्फ बातें करते हैं, हवाई किले बनाते हैं, करने का जब अवसर आता है तो सिर्फ धोखा करने का काम करते हैं। ऐसे लोगों से सजग और सावधान होकर के अपने हितैषी को पहचानने का काम करना है। आप सब लोगों की राय लेकर के पार्टियों के साथियों से विचार विमर्श करके आपके बीच में मजबूत और सशक्त प्रत्याशी उतारने का काम करेंगे, परंतु जिताने का काम आप लोगों ने करना है। एक एक वोटर की, एक एक कार्यकर्ता की उतनी ही महत्व है जितना आज पार्टी के वरिष्ठ लोगों का है। अपने अपने बूथ पर मजबूती से अगर पार्टी के कार्यकर्ता काम करेंगे तो कोई भी ताकत आपको रोक नहीं पाएगी, पर इसके लिए अभी से आपको प्रयास करने पड़ेंगे। कोई रूठे हुए साथी है उनको बनाने का काम करना है, अपने साथ जोड़ने का काम करना है और अपने परिवार को मजबूत करने का काम करना है। मैं तो आपसे यही विनती और गुजारिश करने के लिए यहाँ पर हाजिर हुआ हूँ। आप लोग आए, मुझ जैसे छोटे से कार्यकर्ता की बात सुनी, हौसला बढ़ाया, यहाँ पहुँचने पर जो मान सम्मान, जो प्यार आपने दिया, जो स्नेह आपने प्रदर्शित किया, उसके लिए आपका शुक्रगुजार हूँ, आपका आभारी हूँ, आपका धन्यवाद हूँ। और यकीन विश्वास और भरोसा लेकर के जा रहा हूँ कि आपकी ये ताकत और ज़्यादा मजबूत होकर के निकट भविष्य में बरोदा विधानसभा क्षेत्र में विजय पताका फहराने का काम करेगी। यही विनती करते हुए आप सबका एक बार